मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 2,846 नौ चयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन पदस्थापना एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का वर्चुअल शुभारंभ किया, जिसका सीधा प्रसारण एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 11 नौ चयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र का वितरण किया। उसके बाद एनेक्सी भवन के सभागार में स्थानीय विधायकों ने जनपद के 9 नियुक्त 4 प्रवक्ताओं एवं 65 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया, जिसके संबंध में नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग में पिछले 70 साल में आई कमियों को दूर कर रही है तथा जो एक आदर्श माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा में छात्र शिक्षक का अनुपात होना चाहिए उसको सरकार पूरा कर रही है, जिसके तहत जनपद में 65 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा, आशा है कि नव नियुक्त शिक्षक अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सहजनौ विधायक शीतल पांडे, पासगांव विधायक विमलेश पासवान, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, कैबियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव नियुक्त शिक्षकों सीडीओ इंद्रजीत सिंह तथा नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, इसको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्ता परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चयन की भांति राजकीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रारंभ एवं नियुक्ति परीक्षा की व्यवस्था की नियुक्ति संभव हो सकती है। इसी प्रकार ऑनलाइन प्रक्रिया विकसित हुई, जिससे इतना सबसे बड़ी खासियत है कि शिक्षकों के मेरिट के साथ साथ इससे एक संतुष्टि का स्तर भी बढ़ा है। कार्यक्रम विकसित किया जिसमें टीचिंग टूल्स टेक्नोलॉजी के साथ शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हमारा विश्वास तथा सभी जिसके लिए हम लोग आ गए आज के आयोजन के संबंध में अपने विचार कर रखते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती गुलाब देवी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन आदरणीय तिवारी जी, अपन मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री अत्यंत कर्मठ भव्यों के माध्यमिक शिक्षा राज्यपति आदरणीय गुलाब देवी जी, मध्य उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय राजेंद्र परी जी, मैं अपन सचिव श्री राजकरी, मंच पर उपस्थित विभाग के निदेशक जिलाधिकारी लखनऊ और सभी सौभाग्यशाली सहायक और पता के प्रचय अभ्यर्थी का विशेष समय के साथ श्री सतीश्वरी जी बनाए थे। उत्तर प्रदेश के विगत 4.5 वर्षों में जो सबसे बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, विभिन्न विभागों में जैसे सुधार के कार्यक्रम चले, उन्नीस पर ग्रहण किया था माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ, समय बोर्ड की इच्छाएं चल रही थी, किसी न किसी परीक्षा केंद्र पर जाकर बोर्ड की परीक्षाओं की व्यवस्था करता है। इतफाक था कि मैं एक बोर्ड के परीक्षा केंद्र जैसे पहुंचा, एक छोटी सी बोर्ड खड़ी, उसमें तमाम पठन पाठन सामग्री भरे हुए गेट से बाहर निकल गए। पता चला कि रत्कार कहाँ है तो किसी ने बताया कि नकद सामग्री इस परीक्षा सेंटर से पकड़ी गई। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण परीक्षा के मौसम में आते थे और पीछे के नाम
वो एक उपहास हुआ उत्तर प्रदेश का कहलाते थे और स्वयं को प्राप्त करते थे जो मेला शक्ति थी उत्तर प्रदेश की वो हतोत्साहित हुआ करते थे। शिक्षकों के चयन की ये प्रक्रिया कितने पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। विगत 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रयास किया है। हम शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को एकीकृत से करते थे, रिक्तियों को पूरी तरह भरे और इस दौरान उच्च माध्यमिक बेसिक और तकनीकी शिक्षा के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों पर प्रदेश के भर गए। मुझे पसंदता है इसमें योग्यता को और संविधान के आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के योग्यतम अभ्यर्थियों को प्रदेश के अंदर शिक्षा भवन में 1 जनवरी के रूप में साक्षी भरने का एक अवसर प्रदान किया गया है। सवाल के बाहर का पूरा है कि प्रदेश मुख्य राज्य के द्वारा चिन्हित 2846 प्रवक्ता शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी है और उन सभी 9 चयनित शिक्षकों के निरूपण वितरण का कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन मेल के आधार अपने विद्यालय की चयन करके उपलब्ध करवाए हैं। मैं इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को खासतौर पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस देश नई शिक्षा नीति के साथ आगे बढ़ेगा। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जिन्होंने 2020 में कोरोना महामारी के बावजूद नई शिक्षा नीति को पूरे देश के बदलाव शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने का
इस देश को सुयोग्य नागरिक प्रदान करने के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हमारी शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं होगी बल्कि शिक्षा एक इनोवेशन का माध्यम भी बनेगा। शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ नए अनुसंधान और नए शोध के माध्यम बनेगी। इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति देश के अंदर लागू हुई है जिसमें तमाम प्रकार के विकल्प हरेक छात्र छात्रा के उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि उसके लिए अभी से अपनी तैयारी और अपने को उसके अनुरूप बनाने की तैयारी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मैं आह्वान करूंगा आप सबका, आपने देखा होगा आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी सिर में होंगे जिन्होंने अपनी किस्मत को 2017 के पहले तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ आजमाने का प्रयास किया होगा लेकिन योग्यता होने के बावजूद आपको निराश नहीं हुआ क्योंकि तो पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी, ईमानदार नागरिक का बहुत था। तब हरेक चयन की प्रक्रिया में बेईमानी और भ्रष्टाचार का गुंडा चला और अंततः व्यक्ति को हताश और निराश होकर के घर में चुपचाप बैठना पड़ता। लेकिन एक प्रक्रिया 2017 के बाद आप सबको देखने को मिली जिस चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के अंदर अभी हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हो लेकिन इन 52-53 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने अब 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंदर दी और अर्थात ये सभी नियुक्तियां पिछली सरकारों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की युद्ध दृष्टि के कारण यानी कि असंतगम आदेश के कारण मार्च 2017 में सरकार बनी उन लोगों ने एक एक करके उन सभी समस्याओं का समाधान किया ताकि वे क्या दूर हमारा नौजवान को कोमरा योग्यता और क्षमता होने के बावजूद उसको अपने प्रदेश में अपने जनपद में कार्य क्यों नहीं मिल पा रहा और जब हम लोग इस पर आए तो ये देखने को मिल रहा था कि बेईमानी और भ्रष्टाचार कि जिस आकंड व्यवस्था के साथ ये लोग डूबे रहे थे भ्रष्टाचार जो वंशवाद और जातिवाद का ही भंडाफोड़ नहीं कर रहा था बल्कि बेईमानी और भ्रष्टाचार की भी एक नई गाथा लेकर के देश के नौजवानों की दुशहरा तैयार कर रहा था और ये बंद तो होना ही चाहिए। इस संकल्प के साथ जब कार्रवाई प्रारंभ हुई उसके बिना सबके सामने देखिए बोलिए और जब हमारी सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो रहे होंगे तो इस प्रकार 5 लाख सरकारी नियुक्त प्रदेश के नौजवानों को देने में सफल हो चुकी है। बधाई बधाई सुनीता यादव सामाजिक विज्ञान धन्यवाद।
सुषमा राय आते रहिए भाई सुनीता कुमारी गुंजा गुप्ता नेहा सिंह एक एक की अपनी अहमियत है सभी के सपने हो गए हो गया यही अच्छी बात है इसके आगे क्या युवाओं के लिए तैयारी कर रहा है भाई मेहनत करें अच्छे से मेहनत का फल तो मिलता ही मिलता है आज ना कल सरकार का कार्य अच्छा था निष्पक्ष हुआ है अच्छे से हुआ है अच्छा लग रहा है हम यही गोरखपुर के ही बहुत खुशी हो रही है काफी लगभग 2 साल हो गए परीक्षा को और 9 महीने तो हो गए बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार हम लोग को मिला बहुत खुशी हो रही है बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा दिन युवाओं के लिए मैं यही बोलूँगी ईमानदारी से प्रयत्न करें हमारी सरकार जो काफी ईमानदार है उनको जल्दी सफलता मिलेगी बहुत जल्दी हमारी सरकार काफी प्रयासरत है युवाओं के साथ है और मैं चाहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जो है ऐसे हम लोग का साथ बनाए रखें गोरखपुर विनोद कुमार बहुत अच्छा लग रहा है ये नियुक्ति पत्र मिल के तैयारी तो सर काफ़ी देर से चल रही है एग्ज़ाम देखिए 2018 में हुआ था एग्ज़ाम जिसका नियुक्ति पत्र आज हम बटा है हाँ जी लोग युवाओं के लिए यही कहेंगे कि अपना सतत प्रयास करते रहिए सफलता तो निश्चित ही मिलेगी सरकार के लिए भी यही है कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है जिससे युवाओं को जो है अपना तैयारी का और बेहतर मौका मिल रहा है और ये जो भर्ती है पारदर्शी तरीके से हुई है किसी का कोई जो है इसमें अपना लगा नहीं है अच्छा अवसर है और हमारी सरकार शुरू से ही जो पिछले 70 साल की कमियां शिक्षा व्यवस्था में रही उनको दूर करने में लगी है और हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं जो एक आदर्श माध्यमिक शिक्षा में और बेसिक शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए आज हम उस अनुपात को पूरा करने की स्थिति में आए हैं आज हम सब इकट्ठे हुए हैं तकरीबन 2900 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए जिसमें 65 शिक्षक अपने गोरखपुर के भी हैं बड़ी संख्या में बच्चियां हैं और ये बदलते हुए समाज का परिचायक है माताएं और बहनें जितना आगे आएंगी समाज उतना ही आगे बढ़ेगा हम सबकी इनसे उम्मीद है कि ये बहुत ईमानदारी समर्पण और निष्ठा से अपने शैक्षणिक कार्य को करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस कार्यक्रम को लखनऊ से अध्यक्षता की गई गोरखपुर में जो हमारे यहाँ 4 प्रवक्ता के पद पर नियुक्तियाँ मिली हैं और उसके अलावा 65 जो है असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापकों को दी गई है माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा इसको वितरण किया है